बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। चंद सवालात मैं वसीम साहब से करूंगा, जिसके जवाब वसीम साहब आज देंगे हमें। तीन सवाल है, ज़्यादा नहीं है। पहला सवाल साहब, हैदराबाद के एमपी मिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने राहुल गांधी से पूछा कि तुम क्या फिर जिन हो, क्या आपका जवाब है इसके ताल्लुक से? असद साहब का वो जो कमेंट है वो उस ज़मन में है कि राहुल गांधी ने खुद कहा कि मतलब वो पूरी यात्रा जो है वो दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हिमाचल, उस सब के दौरान जो है वो टी शर्ट पर उन्होंने यात्रा की। और पत्रकारिता हमारी जो आज चल रही है वो असल मुद्दों को छोड़कर वो टी शर्ट पर जब बहस होने लगी, तो उस ज़मन में असद साहब ने राहुल गांधी से पूछा कि तो क्या फिर तुम जिन हैं। फिर राहुल गांधी कुछ भी हो, लेकिन जो हमारे असल मसाइल हैं वो अगर बेरोज़गार नौजवानों को अगर नौकरी नहीं मिली बिल्कुल तो ज़रूर उनके आम पर जिन आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकअल्लाह। और एक सवाल आपसे ये है कि अब आइंदा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? ये खुद राहुल गांधी ने एक पत्रकार से पूछा। जब उनसे पूछा गया कि हिमाचल के आने वाले सीएम कौन होंगे, तो उन्होंने राहुल ने कहा कि आप ये मुझसे ये पूछे कि आने वाला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। लेकिन आने वाले प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें तो लिस्ट काफ़ी लंबी है। बिल्कुल, हमारे तेलंगाना से चंद्रशेखर राव साहब भी, केसीआर साहब भी बिल्कुल रेडी हैं, रेडी है। वो भी जो है अपनी पार्टी टीआरएस को बीआरएस में बदल कर BRS. वो खुद भी प्राइम मिनिस्टर की रेस में है। फिर अगर अरविंद केजरीवाल है, नीतीश कुमार है जी, हाँ, ममता बनर्जी है जी, हाँ बिल्कुल, तो ये सब भी रेस में है। और आने वाला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा उसका फैसला तो जनता का। तीसरा सवाल आपसे ये है, तेलंगाना के बीजेपी प्रेसिडेंट बंडी संजय तेलंगाना जॉब नोटिफिकेशन के मुखालिफत की है, इसके बारे में कुछ आपका? उन्होंने जो बंडी संजय ने, बीजेपी के प्रेसिडेंट बंडी संजय ने जो मुखालिफत की है उसकी वजह भी है कि उनकी जो पॉलिसी है और उनके जो बड़े दिग्गज जो नेता है, जब वो बेचारे खुद कहें कि उनके नज़दीक रोज़गार पकौड़े तलना है, तो फिर नोटिफिकेशंस की क्या ज़रूरत है? फिर नौजवानों को नौकरी की क्या ज़रूरत है? उसे अफसर बनने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल, तो पंडित संजय बेचारा वो मजबूर है अपनी जगह, इसलिए कि उसके बड़ों ने कहा, दिल्ली से उसके जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि रोज़गार पकौड़े तलना है। अच्छा, और तो ज़रूरी है, तो संजय को ज़रूरी नहीं लगता कि नौजवानों को नौकरियाँ मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकअल्लाह वसीम साहब सवाल के जवाब के लिए। अगर आप भी कुछ सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे से रब्ता कीजिए। आपके जो भी सवाल है वसीम साहब उसके जवाब देंगे, वो उसके जो है ना जवाब कर देगी रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।